जितना अधिकार आपका मुझ पर है उतना ही दायित्व मेरा भी आपके प्रति है। और इसलिए मैं सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल पर भी आज इतने बड़े विराट जनसभा में आपसे बात करना चाहता हूं। साथियों, हमें भारत के संसाधनों पर कब्जा करने के इरादे से भारत में घुसने वालों, यहां पर कब्जा जमाने के लिए घुसने वालों और आस्था की वजह से अत्याचार के कारण अपना घरबार छोड़ने के लिए मजबूर लोगों का हमें फर्क समझना चाहिए। नागरिकता संशोधन का विषय सिर्फ आसाम या नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा नहीं है। एक मिनट, आपका प्यार आशीर्वाद धन्यवाद। नागरिकता संशोधन का विषय सिर्फ असम या नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा नहीं है, बल्कि देश के अनेक हिस्सों में मां भारती पर आस्था रखने वाले, भारत मां की जय बोलने वाले, अपने आप को अपनी आस्था के अनुसार जीने के लिए समर्पित करने वाले ऐसी संतानें हैं, ऐसे लोग हैं जिनको अपनी जान बचाकर मां भारती की गोद में आना पड़ा है। चाहे वो पाकिस्तान से आए हो, अफगानिस्तान से आए हो या फिर बांग्लादेश से, ये 1947 से पहले भारत का ही हिस्सा थे। जब आस्था के आधार पर देश का विभाजन हुआ, हमसे अलग हुए देशों में जो अल्पसंख्यक, यानी वहां जो अल्पसंख्यक थे उन देशों में, मतलब वहां हिंदू अल्पसंख्यक था, सिख वहां अल्पसंख्यक था, जैन वहां अल्पसंख्यक था, बौद्ध वहां अल्पसंख्यक था, पारसी वहां अल्पसंख्यक था, ईसाई वहां अल्पसंख्यक था, ऐसे लोग वहां रह गए थे। उनको आशा थी कि वहां माहौल अच्छा बनेगा, बाद में सुख शांति से गुजारा करेंगे, लेकिन उनके साथ जो हुआ, अगर उनको मिलोगे तो पता चलेगा कितनी यातनाएं झेल करके अपनी आस्था के खातिर मां भारती की गोद में आए। उनको संरक्षण देना ये हिंदुस्तान का कर्तव्य है, भारत का कर्तव्य है। ये एक राष्ट्रीय कमिटमेंट था जिसे हमने पूरा किया है। और मैं असम के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों से ये भरोसा देता हूं, इससे असम और उत्तर पूर्व की कोई क्षति नहीं होने दूंगा। मैं आपको यह भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आवश्यक जांच पड़ताल के बाद, ये बात भी आप लोगों के ध्यान में रहे, आवश्यक जांच पड़ताल के बाद, राज्य सरकार की सिफारिश के बाद ही किसी को नागरिकता प्रदान करने का निर्णय लिया जा सकता है। अपने आप कुछ नहीं होता है, बिना जांच पड़ताल, बिना राज्य की सिफारिश के किसी को नागरिकता देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। साथियों, मेरी सरकार असम और असमिया हितों के लिए पूरी तरह समर्पित है। असम एकॉर्ड के अनुरूप ही हमारी सरकार छह समुदायों अहम, मौटक, मौढ़न, छुटिया, कुछ राजवंशी और सात जनगोष्ठी को जनजाति का दर्जा देने पर भी
काम कर रही है। इसके लिए राज्यसभा में बिल लाने का काम भी हमारी ही सरकार ने किया है। और मैं आज इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं, इन छह समुदायों को ट्राइब का दर्जा देते समय ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि असम की वर्तमान जनजातियों के हितों, उनके अधिकारों, उसकी पूरी तरह रक्षा की जाएगी।